हेलो माय डियर स्टूडेंट्स अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर आई वर्षा वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन एट अंडर ट्वेंटी फोर सेवन मैं वर्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ एग्रीकल्चर अंडर ट्वेंटी फोर सेवन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपकी अपनी फॉरेस्ट्री की क्लास में शाम के छह बजे मैं आप लोगों के सामने आ चुकी हूं तो जिसमें आज हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले यू नो दैट वेरी वेल की अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो उनका नंबर काफी ज्यादा है है ना और आपको सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में लर्न करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं एज पर द एग्जामिनर्स डिमांड क्योंकि नेशनल पार्क के बारे में नो डाउट यू नीड टू लर्न की ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क कौन सा स्टेट में है बट वेन इट कम्स टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो वैसा सेम प्रोटोकॉल नहीं होता है तो यहां पर आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड विद द लाइफ सेंचुरीज एंड साथ में हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की क्या डेफिनेशन है एंड हाउ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर डिफरेंट फ्रॉम नेशनल पार्क एंड बायोसफेयर रिजर्व ये सब डिस्कशन होगा सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कौन सा स्टेट में है कौन सा आपका यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है एंड सबसे न्यूएस्ट नेशनल पार्क कौन सा सॉरी नेशनल पार्क बोल रही हूँ सबसे नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा हुआ है एंड फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा हुआ था तो आज हम ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले तो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वेदर दे आर टारगेटिंग द स्टेट एग्जाम्स और द यूपीएससी और द सेंट्रल एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में और मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं तो ये सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिस इजर व्यू अबाउट द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टूडेज यस आरुषि स्नेहा अलोन पवन आर्यव्रत आंचल वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन वेरी वेरी गुड इवनिंग कैसे भाई सब मजे में बढ़िया शाम को छह बजे अपनी हल्की फुल्की एनर्जी के साथ क्लास में आ गए और जल्दी से एक बार ना क्लास को लाइक कर दो साथ साथ में शेयर कर दो यार मोटिवेशन बनता रहना चाहिए कंग्रेचुलेन्स फॉर वर्ड Huh. Congratulations for uh shifted to the forestry session or for what you are congratulating me here Chali. So let us start our session. Okay, let us begin today's session. Agas aaj ki session ka with the point enabling editing. Okay. And then the slides show. Okay. And now the wildlife century is in India and the definition of wildlife century and how it is defined by the IUCN, that is a international union for conservation of nature and natural fauna and let us talk about the type of protections type of permissions that a person need in a wildlife sanctuary and how it is different from national park so a things and uh, after that we will discuss about some questions also Let's start karte. Sab सब ठीक है यार वॉइस इज ओके है ना वॉइस इज इज ओके स्क्रीन क्लियर अलोन वाई आर यू क्राइंग यार एक तो, तो तुम नाम कैसा रखते हो अपने पेरेंट्स से पूछो तुमको उन्होंने अलोन नाम दिया था क्या हाँ कैसे आवाज लगाते हैं वो तुम्हे चलो कितना मोटिवेट करूं यार मैं मैं तुम्हें तो मोटिवेट कर करके भी अब थक चुकी हूँ चलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही हम हिंदी में वन्य जीव अभ्यारण कहते हैं ठीक है तो वाइल्ड लाइफ आपका इट इज नेचुरल हैबिटेट ओके वाइल्ड लाइफ तरह का मोड ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ये भी आपका इंसिटिव मोड ऑफ कंजर्वेशन है ठीक है इट इज ऑल्सो कम्स इज द कैटेगरी ऑफ इंसिटिव मोड ऑफ कंजर्वेशन ऑन बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज तो एज सच जैसा कि मैंने आपको नेशनल पार्क के बारे में जब बताया था तो ये चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन की गई थी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट होते हैं किसी नेशनल पार्क के एरिया को ऑल्टर करने का एंड इफ अ पर्सन इफ अ स्टेट वॉन्ट टू चेंज द नेम ऑफ अशनल पार्क तो वो स्टेट के पास राइट होते हैं देयर इज नो इन्वॉलमेंट ऑफ प्राइवेट अथॉरिटीज और द प्राइवेट एजेंसी इन द केस ऑफ नेशनल पार्क बट वेन वी टॉक अबाउट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देयर इज इन्वॉलमेंट ऑफ प्राइवेट एजेंसीज ऑल्सो ठीक है प्राइवेट एजेंसीज भी नेचुरल हैबिटेट को कंजर्व करने के लिए आपसे अप्रूवल की डिमांड कर सकते हैं दैट सेफ गार्ड्स आ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स ठीक है पर्टिकुलर स्पीशीज हो गया आपका वेन यू टॉक अबाउट द बर्ड्स और द एनिमल्स दैट कम इन टू द कैटेगरी ऑफ फना एंड वैन यू टॉक अबाउट द प्लांट स्पीशीज जिसको आपको प्रिजर्व करने का है जिसको आपको कंजर्व करने का है संरक्षित करने का है दैट विल कम इन टू द कैटेगरी ऑफ फ्लोरा ओके okay, तो एक पर्टिकुलर सर्टेन स्पीशीज को जिसके आप आपको लग रहा है कि वो जो सर्टेन स्पीशीज है उसका जो पॉपुलेशन है दिन पर दिन घटता जा रहा है तो यू नीड टू कंजर्व दैट पर्टिकुलर स्पीशीज तो हम उस नेचुरल हैबिटेट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिक्लेयर कर देते हैं और कोई स्टेट या फिर कोई प्राइवेट एजेंसी को आ, मतलब राइट right दे देते हैं उसको ऑथराइज कर देते हैं कि भैया तुम्हें इस स्पीशीज को यहाँ पर मेंटेन करने का है ये एक्सटेंट होने की कगार पर है और इसका नंबर धीरे धीरे घट रहा है तो वो जो अथॉरिटी है उसको डेवलप करने का कार्य करती है जी पवन मिश्रा वी आर प्लानिंग फॉर दैट इन द कमिंग टाइम माइट बी अभी कमिंग मंडे की बात कीजिएगा और टू थ्री डेज में यू विल हैव योर लेक्चर्स ऑन माइक्रोबायोलॉजी जेनेटिक्स एंड द सोयल साइंस एज वेल और आई थिंक जो भी स्टूडेंट्स उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में ए एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं तो योर संदीप सर इज टेकिंग सेशन फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम वहां पर, और वहाँ पर आपको आई थिंक सोयल साइंस करा रहे हैं ओके तो तो साइंस वो वो आपको करा रहे हैं तो आप वहां से लेक्चर्स भी देख सकते हैं तो रेस्ट्रिक्शंस आर लेस एंड ओपन टू विजिटेशंस बाय द जनरल पब्लिक तो जनरल पब्लिक को कुछ टोकन चार्जेस देकर कुछ टिकट चार्जेस देकर वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में विजिट कर सकते हैं रेस्ट्रिक्शंस कम है का मतलब क्या है कि जो भी लोकल पीपल और जो भी नियर uh, बाय जो फॉरेस्ट डवेलर्स uh, हैं और जो सोशल uh, आपकी शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट हैं जो नियर पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया रिजाइड कर रही हैं तो वो वहाँ पर अलाउड होती हैं कि वो वहाँ से फ्यूल वुड फोडर एंड द फ्रूट्स एंड द अदर नॉन टिम्पर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को ऑप्टेन कर सकती है पर हाँ दे आर नॉट अलाउड टू हंट द एनिमल्स वो एनिमल्स को हंट नहीं कर सकते हैं लीगली इट इज बैन देय वो बैन होता है वो एक रेंज तक ही अलाउ होते हैं किसी भी फॉरेस्ट एरिया में एंटर करने के जहाँ पर से आपका एनिमल पॉपुलेशन ज्यादा हो जाता है वहां पर वो अलाउड नहीं होते हैं एंड इफ दे आर दे आर ब्रेकिंग द रूल्स और दे आर नॉट मतलब इस चीज को वो अपना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं परमिशन जो दिया उसके अगेंस्ट वो कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शंस भी लिए जा सकते इफ दे आर ट्राइंग टू एंक्रोच द एरिया अगर वो फॉरेस्ट एरिया को इलीगली एनक्रोच करने की कोशिश करते हैं तो परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड दे आर नॉट रिक्वायर टू टेक एनी परमिशन बट दे हैव टू फॉलो सम रूल्स ओके इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर दैट इज योर आई यू सी एन हैज डिफाइंड इट एज अटेगरी देखो इसको हमने कैटेगरी फोर टाइप में जो भी आपके प्रोटेक्टेड एरियाज हैं लेट से यू टॉक अबाउट योर नेशनल पार्क यू टॉक अबाउट योर बायोसोफेयर रिजर्व यू टॉक अबाउट योर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो ये आपका कौन सी कैटेगरी में आते हैं दे कम इंटू द कैटेगरी फोर तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आपके नेशनल पार्क कौन सी कैटेगरी में आते हैं जब हम नेशनल पार्क पढ़ रहे थे तो आई नो मैंने आपको ये कैटेगरी नहीं बताया था बट मैंने आपको ये बताया था दे कम इंटू अ पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरियाज कैटेगरी तो अगर आपने इस चीज पे थोड़ा सा डिस्कस किया ब्रीफ किया तो आप इसको बता सकते हैं कैन यू टेल मी द कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर नेशनल पार्क जी बिल्कुल फॉरेस्ट हाँ, गार्ड्स अंदर जाने से रोकते हैं नबार्ड में भी शिवम दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, बिकॉज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क हम जनरल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जब आप बिल्कुल एक्सट्रीम वाला हम लोग डिस्कस करेंगे तो तब मैं आप लोग को बता दूंगी कि दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज असेंशियल फॉर दिस एग्जाम और दैट एग्जाम ओके यस जल्दी और एक बार क्लिक क्लास को लाइक करो और साथ में शेयर भी करो प्लीज शेयर द सेशन ओके मैंने एक क्वेश्चन पूछा आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर तभी तो हम आगे मूव करेंगे आई एम वेटिंग फॉर एन आंसर कि जिस प्रकार से आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपका कैटेगरी फोर टाइप के अंदर आते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ की जो कि डिफाइन किया है आई ने इन द सेम वे कैटेगरी फोर तो बेटा आयुषी इसके लिए है आयुषी कैटेगरी फोर इज फोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आई जस्ट आज नेशनल पार्क कौन सा कैटेगरी में आते हैं दे कम इन टू दैटेगरी नंबर टू ठीक है नेशनल पार्क कम्स इन दैटेगरी नंबर टू या आपके कैटेगरी नंबर टू में आते हैं तो यू नीड टू लर्न दैट नेशनल पार्क्स कैटेगरी टू में आते हैं ठीक है और आपका मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम बाय यूनेस्को जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है ठीक है उसके अंडर बायोस्फीयर रिजर्व्स को डेवलप किया गया है और यहाँ पे मॉडरेट रेस्ट्रिक्शंस होती हैं इन द टर्म्स ऑफ नेशनल पार्क्स हैवी रेस्ट्रिक्शन वी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में लेस रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाती हैं। दे कमिंग टू दैटेगरी ऑफ कैटेगरी फोर टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। यहाँ पर एनिमल्स को इंसेक्ट्स को बर्ड्स को प्रिजर्व किया जाता है मेजर फोकस एनिमल्स आपका इंसेक्ट्स हैं एंड बर्ड्स इनके प्रिजर्वेशन को लेकर होता है एंड वेन यू टॉक अबाउट द नेशनल पार्क यहाँ पर फ्लोरा मीन्स टू से द्लांट्स फना मीन्स टू से द एनिमल्स means to say the animals landscapes and the historical objects Subko ko preserve or conserve kiya jata hai on the certain place okay you are not trying to move that particular flora and the fauna from that region and trying to uh, settle it at some other place aap kisi ko aur settle karne ka koshish kar hai. you are just trying to preserve at its natural habitat okay So natural the uh, national park hai, that will come into the category of Second of protected area, that is ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया दैट इज डिफाइंड into the कैटेगरी नंबर four ये इन दोनों में डिफरेंस है हां जी हाँ नेशनल पार्क भी प्रोटेक्टेड एरिया ही होते हैं लेकिन उनकी अरे आरुषि यू आर आस्किंग दैट क्वेश्चन बेटा जब मैंने आपको नेशनल पार्क्स की डेफिनेशन बताया था जब हमने नेशनल पार्क का फर्स्ट पार्ट करा था तो मैंने आपको ये बोला था कि नेशनल पार्क्स के अंदर रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा इम्पोज होती हैं। आपको कोई परमिशन नहीं होती है जब एक एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया जाता है और वहाँ पर फ्लोरा एंड फना सबको प्रिजर्व किया जाता है और अब जब मैंने आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की डेफिनेशन बताई तो यहाँ पर मैंने आपको एक क्लियर करके एक बात बोली है कि सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस आर देयर कुछ ही रेस्ट्रिक्शंस हैं आपको परमिशंस दी गई हैं कि यू कैन विजिट दैट पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया और द नेचुरट और यू कैन विजिट और यू कैन व्यू देम और यू कैन विजुअलाइज लाइफ सेंचुरीज में आप टिकट लेकर आप सर्टेन टाइम पर जाकर विजिट कर सकते हैं एंड दे आर लार्ज इन नंबर जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनका नंबर ज्यादा है और ये जो है इनका नंबर लिमिटेड है बिकॉज इसमें आपको ज्यादा प्रोटेक्शन ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस और ज्यादा स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ ज्यादा रोल होता है यहाँ तो आप प्राइवेट अथॉरिटीज को दे रहे हो किसी एरिया को नेचुरल हैबिटेट को प्रिजर्व करने के लिए तो लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट पूरा होता है और यहाँ पर कोई लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है यहाँ अगर फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो उस पहले उस एरिया में थे वो वहीं रहेंगे दे विल नॉट मूव टू एनी अदर प्लेस यहाँ पर उनको एक एरिया अलॉट कर दिया जाता है कि भैया तुम वहां जाके रहो और अपना अच्छे से रहो तो दीज आर द डिफरेंसेज बिटवीन नेशनल पार्क जो ये आपका इस तरफ मेंशन है एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सो वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस लाइक दैट यू नीड टू नो कौन से वाला आपका कौन सा सेक्शन में आ रहा है कौन से वाला कौन से टाइप के अंदर आ रहा है ठीक है हाँ यस yes, वो उसकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी कैटेगरी चेंज हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑन द बेसिस ऑफ परमिशन एंड यहां पर आप एनिमल को इंसेक्ट को बर्ड्स को मीन स्पेसिफिक जो फोकस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर वो आपका फना पर है ठीक है और इन द केस ऑफ नेशनल पार्क्स आप को भी प्रिजर्व कर रहे हो आप फ्लोरा को भी प्रिजर्व कर रहे हो आप उस लैंडस्केप को भी प्रिजर्व कर रहे हो इवन अगर कोई हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट उधर पे मिलता है आप उसको भी प्रिजर्व कर रहे हो तो दीज तो आर सम डिफरेंसेस और द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड एंड स्टूडेंट्स एक बात और आप लोग हां जी यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई हैं वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट जो अभी आप लोग के सामने यहाँ पर कनेक्ट किए हैं अभी तक यस yes, किसी कैटेगरी में हाँ वो किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं मैन एंड बायोसफेयर रिजर्व प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया था यूनेस्को के द्वारा उसके अंडर हमने कुछ लोकलिटीज कुछ एरियाज को बायोसफेयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया है और बायोसफेयर रिजर्व की मैं बात कर देती हूँ दे कम इन टू द इनटेंजिबल हेरिटेजेस ओके सॉरी इनटेंजिबल एंड टेंजेबल दोनों बेनिफिट्स आपको यहाँ से मिलते हैं आपको फ्रेश एयर भी मिलता है एंड यू आर गोइंग टू विजिट और यू हैव द स्पीशीज ऑल्सो वहाँ पर कुछ स्पीशीज भी रिजाइड कर रहे हैं तो दे कम इन टू द मिक्सड हेरिटेज या आपके मिक्सड हेरिटेज में आते हैं टू द सम लेवल और कुछ आपके यहाँ पर नेचुरल हैबिटेट में आते हैं यूनेस्को जो हर साल आपका एक लिस्ट जारी करता है कि ये ये आपने स्पीशीज को सॉरी ये ये आपने एरिया को इसमें इंक्लूड कर दिया तो वो इसके बेसिस पर बातें होती हैं ठीक है नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट जो आपका वाइल्ड लाइफ डेटाबेस है नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन के अकॉर्डिंग यानी कि लास्ट ईयर ठीक है 2021 का डेटा है यानी कि रिसेंट डेटा है यहाँ पर आप लोगों के सामने बिल्कुल तो 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग फिलहाल इंडिया में 564 आपके क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और इसके अलावा आपके प्रोटेक्टेड एरियाज भी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी और ये कवर कर रहे हैं नियर टू कितना कवर कर रहे हैं 122509.33 स्क्वायर किलोमीटर व्हिच इज 3.73 पॉइंट ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ आर कंट्री तो ये हमारे जियोग्राफिकल एरिया का इतना परसेंट है और इतना ओवरऑल एरिया है जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर आता है एंड आफ्टर दैट इसके बाद अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ही बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अनदर जो 218 हंड्रेड सेंचुरीज है आर प्रपोज्ड इन द प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क रिपोर्ट ठीक है उनको हमने प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क रिपोर्ट के अंदर प्रपोज किया कंसिडरिंग एनी पर्टिकुलर एरिया इन टू कैटेगरी ऑफ नेशन अब एक बात बताओ क्लास में जब किसी लड़के को या लड़की को मॉनिटर बनाया जाता है स्कूल में किसी स्टूडेंट uh, को जब हेड गर्ल और हेड बॉय बनाया जाता है ऐसा तो है नहीं उसकी शक्ल देख के उसकी हाइट देख के उसका एकेडमिक इंटेलिजेंस दे उसको सिब्दा सेलेक्ट कर लेंगे नो उसका और भी बिहेवियर uh, जो एस्पेक्ट्स हैं इवन दो कल्चरल एस्पेक्ट एकेडमिक और कैसे उसका डिसिप्लिन है पंक्चुअलिटी है ओबिडियंट है नहीं एवरीथिंग नीड टू बी चेक बिफोर अपॉइंटिंग अ पर्सन एट अ पर्टिकुलर प्लेस है ना तो वैसे ही अगर आपको किसी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करना है तो पहले आपने उसको एक प्रोटोकॉल के अंदर रखना है यू नीड टू चेक इट आउट अगर वो एरिया वाइज स्पीशीज वाइज उसके अंदर वेरी उसके अंदर लाइक करेगा तभी आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो यू नीड टू फॉलो ए प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉर दैट ओके तो 564 अभी इसमें काउंटेड है एंड जो रिमेनिंग है वो आपका प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क रिपोर्ट के अंदर कंसिडर किए गए हैं प्रपोज टू बी उनको फर्दर प्रपोज उनके बारे में अभी डिस्कशन चल रहा है कि किसको कहाँ रखने का है क्यों रखने का है क्या चेंज करने का है क्या चेंज नहीं करने का है ठीक है यस yes. हाँ लोग इसको ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है स्टेट गवर्नमेंट एंड जो आपके प्राइवेट एजेंसीज हैं वो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को रेगुलेट करते हैं और मॉनिटर करते हैं ये लाइन मैंने फर्स्ट में ही आपको बताया था ओके okay, हिमांशु क्वेश्चंस देख लेते हैं नेक्स्ट है आपका न्यूएस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे देश की जो सबसे नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर उसका नाम देखे तो उसका नाम क्या है रामगढ़ विश्वधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब रामगढ़ को देख के आप अपना रामगढ़ को देख के आप अपने उत्तराखंड में या फिर यूपी में नहीं पहुंच जाएंगे रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एट राजस्थान और ये न्यूली स्टेब्लिश्ड है इसको जून 2021 में स्टैब्लिश किया गया था दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू नीड टू लर्न कि रामगढ़ नेशनल रामगढ़ विश्वधारी इल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में स्टैब्लिश की है जून 2021 में द नेक्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू लर्न सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग तो सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मयूरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि महाराष्ट्र में है दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट तो आज के सेशन में छोटा बड़ा न्यू एंड मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा स्टेट में है कौन सा यूनियन टेरिटरी में है और उसके बाद कुछ हम स्पेसिफिक क्वेश्चन करने वाले हैं सो दीज आर इम्पोर्टेंट यू नीड टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स ठीक है so चलिए बार क्लास को लाइक like करो शेयर करो और इतना आप लोग को समझ में आए यहाँ तक का येस और नो में रिप्लाई करो रिप्लाई में यार की येस और नो ये समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है ये इम्पोर्टेंट है इनको नोट करते हुए चलो ठीक है द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ अगर हम सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें अच्छा सबसे बड़े नेशनल पार्क की बात करें तो क्या आंसर लगाओगे लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया में लार्जेस्ट नेशनल पार्क कल ही बताया था बताओ भाई जल्दी से बताओ लार्जेस्ट नेशनल पार्क इंडिया में कौन सा है जल्दी से बताइए लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया में एंड कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि सबसे नया और न्यूएस्ट नेशनल पार्क कौन सा है तो अभी लार्जेस्ट पूछा है तो लार्जेस्ट का आंसर क्या होगा वेर इज अंकित झा आरुषि पवन मिश्रा गणेश आलोक इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई पता तो लगे कि आप लोग का रिविजन कैसा चल रहा है और क्लास को शेयर भी कीजिए लार्जेस्ट कहाँ पर है और ये हेमिस तो है हां जी अंकित हेमिस है आलोक हेमिस किधर है हेमिस है है बताइए हेमिस इज एट यस हैमिस हेमिस नेशनल पार्क इज एट लद्दाख ओके नेशनल पार्क आपका लद्दाख में है और लद्दाख में सिर्फ आपका ये एक ही नेशनल पार्क है और ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हमारे देश का उसी प्रकार से इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी आपका एरिया के टर्म्स में सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये आपका लिटिल रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात स्टेट में है वहां पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब देखो देखो इस क्वेश्चन को लेकर ध्यान से सुना यहाँ पर बहुत ज्यादा फैक्ट्स आप लोगों के लिए कवर होने वाले हैं इन अ पर्टिकुलर हेडिंग ओनली कि द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब एक बार फर्स्ट सेंचुरी पहला सेंचुरी कह लीजिए या फिर नेशनल पार्क कह लीजिए स्टेब्लिश इन इंडिया इज सबसे पहली सेंचुरी कह लीजिए या सबसे पहला नेशनल पार्क कह लीजिए इन टर्म्स ऑफ समथिंग वैसे सबसे पहला और सबसे पुराना नेशनल पार्क आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है बट हेयर द वर्ल्ड इज सेंचुरी तो हम सेंचुरी के बेसिस पर आपको इसको डिस्कस कर रहे हैं मानस मानस जो नेशनल, मानस जो नेशनल पार्क है पहले वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो अभी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी इंक्लूडेड है दैट द मानस नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज मैनी इन वन नेशनल पार्क वो एक नेशनल पार्क भी है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी है और एक एलिफेंट रिजर्व भी है और एक बायोसफेद रिजर्व भी है जो कि असम में सिचुएटेड है ओके तो आपको कोई आपको कोई क्वेश्चन का आंसर करते वक्त ये चीज ध्यान रखनी होती है कि किस बारे में आपसे पूछा गया है तो मानस इज अ नेशनल पार्क ऑल्सो मानस इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि विच वन इज द ओल्डेस्ट एंड द फर्स्ट नेशनल पार्क देन यू नीड टू आंसर जिम कॉर्बेट और द रामंगा एंड विच वन इज द फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देन यू नीड टू आंसर द मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप आंसर में दोनों ऑप्शन दिया होगा आप मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करेंगे गॉट इट चलिए यस नेक्स्ट है आप लोग के सामने क्वेश्चन हाँ वो आपका एशियन एस के लिए और आपका वाइल्ड एस के लिए फेमस है जो गुजरात में आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ अब ये कितने नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है यहाँ पर यू नो नीड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स बट यहाँ पर आपको जो एक चीज याद करनी पड़ सकती है और याद करनी है वो ये याद करने कि मैं आपको कुछ स्पेशलाइजेशन कराने वाली हूँ कि ये जो पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर लोकेटेड है इसका स्पेसिफिक कौन सा स्पीशीज़ है जिसकी वजह से ये आपका जानी जाती है कुछ आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और ज्यादातर बर्ड सेंचुरीज की हम बात कर देते हैं यहाँ पर बर्ड सेंचुरीज और मरीन सेंचुरीज को भी हम इंक्लूड कर देते हैं कि ये जो सर्टेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये जो है आपका पर्टिकुलरली कौन से स्पीशीज के लिए फेमस है तो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट यू नीड टू लर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि स्टेट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो ये रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग आपका महाराष्ट्र है महाराष्ट्र है 42 टू ओवरऑल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वहीं पर अगर हम यूनियन टेरिटरीज में बात करें तो अंडमान एंड निकोबार हैचुरीज विध रिस्पेक्ट टू योर यूनियन टेरीटरीज एंड इट है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है रन ऑफ लिटल रन ऑफ कच उसको हम कहेंगे ठीक है लिटिल रन ऑफ कच एंड इन गुजरात वो आपका गुजरात में है ओके okay? नेक्स्ट है आप लोग के लिए पॉइंट हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और साथ में स्टूडेंट जो भी प्रेजेंट है अब आपके कुछ ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी हैं लेट अस टॉक अबाउट सम ऑप्शन वाले क्वेश्चन अब देखते हैं आप ऑप्शन वाले क्वेश्चन में कितना तुक्का लगा लगा पाते हैं और सही लगा पाते हैं या फिर नहीं लगा पाते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गहिर मथा इज द ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर डैश इन उड़ीसा ये एक लोती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इस पर्टिकुलर स्पीशीज को क्या करने के लिए कंजर्व करने के लिए जो कि उड़ीसा में अः की गई है तो कौन से स्पीशीज को प्रिजर्व करने के लिए इसको उड़ीसा में स्टेब्लिश किया गया है जी बताइए सूरज सोनी का आंसर आया है अदर स्टूडेंट्स कहाँ हो भाई आप सभी वाई आर यू पीपल आर नॉट आंसरिंग दिस क्वेश्चन अभी देखो दहीर मथा इज द ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फोर डैश इन उड़ीसा एंड एलिफेंट के लिए फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज फेमस फॉर फेमस फॉर कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स एलिफेंट्स के कंजर्वेशन के लिए जो फेमस हैं फेमस फॉर कंजरवेशन ऑफ एलिफेंट्स ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है And the next question is, गहीर मैंने बता दिया सिर्फ एक लोती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और जो इस को कंजर्व करती है या ऑप्शन ए इज रोंग टर्टल्स के लिए है उड़ीसा के बारे में सोचा उड़ीसा में एलिफेंट्स तो मैंने कल भी नहीं बताया था एंड वेन यू टॉक अबाउट द एलीफेंट्स तो एलिफेंट्स के कंजर्वेशन के लिए एक बहुत ही फेमस आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका नाम नगर होल है और नगर होल के नाम से आपका एक नेशनल पार्क भी है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नगर होल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में होगा नगर होल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए भाई क्रोकोडाइल का तो आपको पता ही होना चाहिए क्रोकोडाइल का तो बहुत इजी है क्रोकोडाइल का तो मुझे भी अपने एग्जाम टाइम से याद है तो मुझे लगता है आप लोगों को भी याद होगा आचल प्रीत आपने जो क्वेश्चन का ये आंसर बताया है वो इसलिए गलत आंसर बताया है, तो कि, क्योंकि यहां गहीर मत्था लिखा था अगर यहाँ भितार निका लिखा होता तो आपका आंसर ठीक होता अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता भितार निका देखो ध्यान से भितार निका इज द अगर ये क्वेश्चन होता इज द ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फोर डैश इन उड़ीसा उड़ीसा में सिर्फ एक लोती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किसके कंजर्वेशन के लिए क्रोकोडाइल्स के कंजर्वेशन के लिए तो तब आपका आंसर नीखा होता गहिर मत्था अगर पूछा है तो दैट इज फॉर टर्टल्स वो टर्टल्स के लिए है एंड एलिफेंट के लिए जो है दैट इज नगर होल और जो आपका मैसूर मैसूर इज एट कर्नाटका और ये आपका कर्नाटका में है ठीक है बेटा ये आपका कहां पर है कर्नाटका में है तो यू नीड टू नो अबाउट ऑल फैक्ट्स कर्नाटका में नॉट इन केरला ठीक है केरला में नहीं है कर्नाटका में है ओके द थिंग्स आर क्लियर और नोट यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई है यस और नो साथ साथ में क्लास को लाइक भी कीजिए और साथ में बताइए यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई है या फिर नहीं क्लियर हुई है आसाम आई थिंक पवन मिश्रा कौन से क्वेश्चन का आंसर आसाम लगा रहे हैं विच क्वेश्चन यू आर मार्किंग एज एन आंसर नो डियर के लिए आई एम आस्किंग अबाउट द डियर डियर तो मस्क सुना है जिसको हम uh, कस्तूरी मृग भी कहते हैं ठीक है कस्तूरी मृग जो है आपका uh, उत्तराखंड का स्टेट एनिमल है कस्तूरी मृग जिसको कहा जाता है ठीक uh, है इसके नाभि से मतलब बोलते हैं एक फ्रेग्रेंस आती है जिससे इसकी प्रेजेंस का पता लग जाता है इसको कस्तूरी मृग भी कहा जाता है ओके okay. और इसके लिए एक आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहेंगे या फिर मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहेंगे जो इस पर्टिकुलर स्पीशीज के कंजर्वेशन के लिए फेमस है एंड एज अ नेम सजेस्ट केदारनाथ अगर यहाँ लिखा है तो दैट इज इन फॉर श्योर उत्तराखंड तो इस क्वेश्चन के साथ हमने चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है चार नहीं पांच गहिर मथा आपका उड़ीसा में है दैट इज़ फेमस फॉर टर्टल्स। बिथारनिका इज आल्सो एट उड़ीसा एंड इट इज फेमस फॉर क्रोकोडाइल्स। नगर होल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एट कर्नाटका एंड इट इज फेमस फॉर योर एलिफेंट प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन एंड डीयर्स के कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन के लिए जो आपकी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दट इज अ केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका उत्तराखंड स्टेट में लोकेटेड है क्लियर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन गाइज ओनली मरीन यस ओनली मरीन सेंचुरी इन उड़ीसा ये एक लोती मरीन वॉटर सेंचुरी है अब आप मुझे मतलब ऐसे तो बहुत इजी है यार ये सबको पता होता है और आप लोगों को तो पता ही है ग्रेजुएशन में मास्टर्स में टीचर ने बहुत बार पूछा होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्वस एंड मरीन मरीन में और एक्वस में क्या डिफरेंस होता है बताएंगे आप लोग मुझे बहुत इजी है ये तो बहुत इजी है मतलब मैं जनरल पूछ रही हूँ फिर भी मेरा मन कर गया पूछने का वट इज द डिफरेंस बिटवीन मरीन एंड एक्वस जी क्लियर ओके आसाम वॉज नॉट द राइट आंसर आसाम को आप सही कर लेंगे अलोक इतने सारे क्रोकोडाइल्स लेकर कहाँ जाओगे भाई ठीक है अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है उसका आंसर क्या होगा बताइए भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब जी चिल्का लेक अरे वो एग्जाम्पल्स हैं। आई जस्ट वॉन्ट द डेफिनेशन आई जस्ट द डिफरेंस बिटवीन दीज टूज़। इन दोनों में क्या डिफरेंस हाँ, जो फ्रेशर लेक्स होते हैं ठीक है, है उनको हम एक्वस वॉटर बॉडीज कहते हैं एक्वस वाटर बॉडीज उनको हम कहते हैं जिनमें फ्रेश वॉटर आपका गिरता है फ्लो करता है फ्रेश वॉटर फ्लो करता है ठीक है अगर उस वाटर के साथ सोल्ट कंसेंट्रेशन भी है एंड फ्रेश नहीं है तो दैट विल हम मरीन मीन्स सी मरीन मीन्स आपका सोल्ट वाटर को भी समुद्र के अंदर नमक ही तो होता है तो दैट विल कम इन टू द मरीन तो ओनली मरीन सेंचुरी जो सिर्फ एक ही मरीन सेंचुरी आपका उड़ीसा में उसका नाम गहिर मथा मरीन सेंचुरी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दैट इज ऑल्सो फेमस फॉर योर टर्टल्स कंजर्वेशन पर्पज ठीक है वो आपका टर्टल्स के कंजर्वेशन के लिए भी फेमस है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगला क्वेश्चन है बंकापुरा पिकॉक सेंचुरी देखो जैसे बंकापुरा पिकॉक सेंचुरी यहाँ पर आ गया है उसी तरह से आपने सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी भी सुना होगा कल हमने सुल्तानपुर नेशनल पार्क पढ़ा अब हम सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के बारे में भी बात कर लेते हैं ठीक है कहाँ पर है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी आप लोगों ने भरतपुर में ठीक है भरतपुर में हम लोग बात करते हैं कल हमने नेशनल पार्क पढ़ा था नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि माइग्रेटेड बर्ड्स के लिए फेमस है यहाँ पर आपके बर्ड्स माइग्रेट करके आते हैं इसी तरह से आपका आंध्र प्रदेश में भी है मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए क्योंकि मुझे वो नाम अभी रिकॉल नहीं हो रहा बट आप लोग याद दिलाएंगे तो याद आ जाएगा आंध्र प्रदेश में भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और उसके इनिशियल्स पी से हैं ठीक है पी से वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम स्टार्ट होता है एंड बेसिकली इट इज अ बर्ड सेंचुरी वो एक बर्ड सेंचुरी है और वहाँ पर आपका माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज जो हैं आती हैं माइग्रेशन करके ठीक है माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज यहाँ पर आती है तो द क्वेश्चन इज क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि जो आंध्र प्रदेश में एक बर्ड सेंचुरी है जो कि आपका माइग्रेटरी बर्ड्स का हाउस बन जाती है एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन और जो सीजन के टाइम पर उसका नाम क्या है भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ही फेमस है उसका नाम क्या है सुल्तानपुर सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी सॉरी कौन कौन सा स्टेट में है? कौन से स्टेट में में लोकेटेड लोकेटेड है है भरतपुर से बंकापुरा जो पीकॉक सेंचुरी है इट इज इन कर्नाटका ये आपका कर्नाटका में है तो इसी तरह से काफी बर्ड सेंचुरी जिनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इज इट हाँ मरीन हम सी वॉटर एनिमल्स एंड मरीन हम जो भी आपके वाटर बॉडीज है जिनके अंदर सोल्ट का कंसेंट्रेशन भी प्रेजेंट होता है उसके लिए हम मरीन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ओके एंड भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एट हरियाणा। भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एट राजस्थान ये आपका राजस्थान में है एंड सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इज एट हरियाणा और ये आपका हरियाणा में तो दीज आर सम इंपोर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नो ये आपको पता होने चाहिए हाँ बंकापुरा आपका पिकोक के लिए और ये कर्नाटका में है और राजस्थान में ये वाला है भाई भरतपुर है जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ही है ठीक है so, सो इसके आगे अभी हम डिस्कशन करते हैं लेटस डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइज और मैंने जैसे कि हम लोगों ने कल डिसाइड किया था अभी है इम्पोर्टेंट डिस्कशन कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो कल आप लोग पूछ रहे थे लेट मी क्लियर योर थिंग्स और कल मैं आप लोग के लिए एक सेशन लेकर आ रही हूँ आप चाहे तो आप भी उस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं डी कैन कंप्यूटर मेरे सभी वीडियोज यहाँ पर एग्रीकल्चर अड्डा एंड एस एस सी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के प्लेटफॉर्म पर है जिनको आप विजिट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप कभी भी देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को टाइमली अपडेट कर सकते हैं लेट मी इन्फॉर्म यू समथिंग अबाउट द स्टडी प्लान ठीक है कल मुझसे काफी स्टूडेंट्स ने पूछा था यहाँ पर भी और फसाई वाली क्लास में भी पूछते रहते हैं तो आई थॉट ऑफ कि मुझे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन अभी कर लेना चाहिए और कल आप लोग के लिए एक सेशन में लेकर आ रही हूँ 2:45 फोर्टी पर प्लीज आप वो सेशन जरूर ज्वाइन कीजिएगा 2:45 फोर्टी पर जो आप लोग के लिए एक सेशन में लेकर आ रही हूँ वो सेशन आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा आपके बहुत बेसिक डाउट्स होंगे बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स होगी जो सेशन की हेल्प से मैं क्लियर करने वाली हूँ और यहाँ पर भी मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर देती हूँ एक बात होती है देखो मैं आज बच्चों को जब नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज जो होती है आ, मतलब डाइट का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में स्टडी कराए थे तो स्टूडेंट्स का डाउट है मैम आप जब एग्जोस्ट हो जाती हो एक प्लान से आप क्या करते हो एग्जोस्ट होने के बाद उस चीज से बाहर निकलने के लिए ऑब्वियसली आप लोग सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए टारगेट कर रहे हैं कोई ना कोई एग्जाम आप लोगों ने टारगेट किया हुआ लेट से यू आर टारगेटिंग दार्ड एग्जाम आप नबार्ड के सर्टेन पोस्ट को टारगेट कर रहे एक्स लेट से किसी पोस्ट को टारगेट कर रहे हो आई को टारगेट कर रहे हो सम ऑफ यू माइट बी टारगेटिंग ओडिशा का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है ए पोस्ट के लिए उसको टारगेट कर रहे हो कुछ बच्चे अभी मध्य प्रदेश में जो आपका फोर्स डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है उसको टारगेट कर रहे होंगे एंड सम ऑफ यू माइट बी टारगेटिंग योर यूपीएससी जो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम होता है माइट भी कुछ बच्चे उस एग्जाम को भी टारगेट कर रहे होते हैं ठीक है तो हर एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए सेम सिलेबस मैटर नहीं करता है दिस, ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए अब फसाई में आपका मैथ्स नहीं आता है तो अगर कोई बच्चा फसाई के लिए टार्गेट कर रहा है और वो मैथ्स की क्लास अटेंड कर रहा है तो वो उसके लिए यूजलेस हो गया ना कोई फायदा नहीं होगा उसके एग्जाम को अगर वो स्पेसिफिक एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो जब भी आप कोई एग्जाम को, को टारगेट करते हो तो पहली चीज जो सबसे ज्यादा मायने आप लोगों के लिए रखती है दैट इज यू शुड नो अबाउट द सलेबस आपको एक सलेबस के बारे में क्लियर कट आइडिया होना चाहिए क्योंकि जब तक आपको आपके पास इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे एक पर्टिकुलर डिश को प्रिपेयर करने के लिए तब तक आप वो डिश को प्रिपेयर नहीं कर सकते हो जब तक आप एक डिश को प्रिपेयर करना चाहते हो और आपके पास उससे रिलेटेड कोई यूटेंसिल्स और कंटेनर ही नहीं है और आपने सारे इंग्रेडिएंट्स मना मंगवा लिए हैं सारे इंग्रेडिएंट्स आप लेकर आए हो लेकिन आपके पास वो कंटेनर ही नहीं है जिसमें आपको उसको कुक करना है तो वट विल यू डू यार कोई फायदा ही नहीं आपने हजारों रुपए का सामान मंगा लिया लेकिन कंटेनर तो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है तो ना ही तो डिश बनेगी और ना ही तुम खाना खाओगे ना ही तुम्हारे पास एनर्जी आएगी

ठीक है, बट वो लिस्ट को हम पूरा discuss नहीं करेंगे। I will provide you the list, complete list मेरे पास बनी हुई है, है, हो हो जाएगी आपको। ठीक हाँ जितेंद्र सिंह आप आप कितना late answer कर रहे का। तो मैं लोगों के सामने एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो क्लियर करना चाहती हूँ कि बच्चा आप मतलब एक सीरियस एस्पिरेंट तभी कहलाए जाते सभी होते हैं एस्पिरेंट सभी होते हैं कोई किसी एग्जाम का एस्पिरेंट होता है कोई किसी एग्जाम का एस्पिरेंट होता है सीरियस एस्पिरेंट वही होता है जो फोकस्ड होता है जो मछली की आंख पर निशाना लगाता है वही सफलता पाता है जो मतलब यहाँ वहाँ सभी चीजों को सोचता है कि कर लेता हूँ कर लेता हूँ आज नहीं कल काम आ जाए आज नहीं कल काम आ जाए वो नहीं मायने रखता वो कहीं रिजल्ट नहीं आप लोग को टू बी वेरी ऑनेस्ट देने वाला है ठीक है तो आपको अपने की स्ट्रेटेजी को प्लान करना है टू बी वेरी यू कैन आप जो है इसके बारे में आप मुझसे डिस्कस करो यहाँ पे कमेंट में करो, मैं आपके कमेंट को देख के रिप्लाई करूंगी ठीक है कि भाई मेरा ये डाउट है आई वांट टू प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम आई एम ट्राइंग टू मतलब आप लोगों के अंदर से वो चीज मैं निकालना चाह रही हूँ समझ रहे हो अगर आप ए को टारगेट कर रहे हो फ्रॉम द लास्ट टू डेज एंड यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स तो व्हाई एंड व्हेन कहाँ पर और मतलब कब और कैसे हाउ uh, कहाँ पर आप कम रह जा रहे हो उस आपके एक फ्रेंड से और कलीग से जो एग्जाम को क्रैक कर चुका है कहाँ पर आप में कमी रह रही है तो आपको उसको लेकर वर्क करना पड़ेगा ना लेट से हमें पता होते हैं अपने प्रोन्स एंड कौन हमें पता होते हैं हमें पता है मेरे अंदर क्या कमी है मुझे पता है मुझे गुस्सा किस बात पे आता है तुम्हें भी पता है तुम्हें गुस्सा किस बात पे आता है बट एक्सेप्टेंस मैटर्स ना एक्सेप्टेंस भी तो होनी चाहिए अगर सामने वाला मुझे बोल दे यार इस बात पे तुम चिड़ जाओगे तुम तुम चिड़ते हो तुम्हें पता है बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट तो यही हमारी सबसे बड़ी कमी होती है हम किसी चीज को एक्सेप्ट करने से डरते हैं एंड द वन थिंग दैट यू नीड टू फॉलो इन योर लाइफ मैं भी इस चीज को फॉलो करती हूँ एंड यू शुड ऑल्सो फॉलो दिस थिंग दैट इज के एफ सी एक खाने वाला नहीं है दैट इज यहां पर राइट right वर्ड आप लिखेंगे किसी भी एग्जाम को जिंदगी में कोई भी चीज आप हासिल करने चाहें तो आपको ये चीज जरूर फॉलो करनी है द राइट नॉलेज द राइट फेथ द राइट कंडक्ट ठीक है सही इंसान आपको चुनना है जिस पर आप विश्वास कर सके सही तरीका आपको चुनना है जिसको आप फॉलो कर सके ठीक है सही इंसान पर विश्वास आपको करना है जो आपको लंबे रास्ते पर लंबे सफर पर साथ लेकर चल सके यानी कि आपका जो टारगेट है वो अचीव करने में आपको हेल्प कर सके और सही नॉलेज सही ज्ञान आपको प्राप्त करना है ताकि जो आपका टारगेट है वो इन द टाइम वो एक रिक्वेस्टेड टाइम में अचीव हो सके तो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट हर एक चीज इम्पोर्टेंट है अब ऐसा नहीं है आप खाना पीना छोड़ के 16 घंटे पढ़ रहे हो आज पढ़ रहे हो कल पढ़ रहे हो एक महीने के बाद आप एग्जॉस्ट हो गए हो आपकी बॉडी कर रही है वो पढ़ने ही नहीं देना चाह रही आपको तो कुछ नहीं होगा रे कुछ भी नहीं होगा जो तो आपको जो फॉलो करना है वो लॉन्ग रन क्योंकि मतलब यूपीएससी जैसा एग्जाम मतलब लंबी रेस के घोड़े ही इस एग्जाम में दौड़ सकते हैं जो लंबे समय तक अपने आप को कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं कर रहे हैं और ए एफ ओ में भी मान लेते हैं कि एग्जाम के बाद छह महीने में आपके हाथ में जॉब होती है लेकिन वो छह महीने के अंदर जो आपको आपको अपने हाथ में जॉब चाहिए उसके लिए आपसे कम से कम छह महीने तो मेहनत करनी पड़ेगी ना क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो इजी टू अचीव है इजी टू अचीव इज नथिंग ये जो वर्ड है ये तब इजी टू अचीव हो जाता है जब आपने सालों साल मेहनत की होती है तो जो बोलते हैं कि बहुत आसान है ये चीज को करना वो तब बोलते हैं जब वो उस पर मास्टरी कर लेते हैं उस चीज को लेकर एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो आपको ये सब चीजों को लेकर अपने आप को क्या करना है स्ट्रोंग बनाना यू नीड टू वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स यस आरुषि आप मुझसे ही क्वेश्चंस पूछने लग जाओ मतलब इसका अंस एक आप कर हाँ इस पर भी डिस्कशन करना बिल्कुल आरुषि आप ना एक कमेंट में मेंशन कर देना क्योंकि मैं यहाँ पे ना कुछ चीजें देख लेती हूँ फिर मेरे माइंड से स्किप हो जाता है मैं डेली कमेंट्स देखती हूँ आप लोग के आप कमेंट में इस चीज को जरूर मेंशन करना ठीक है मैं डेली आप लोग के क्लासेस के कमेंट चेक करती हूँ बट आप लोग के कुछ कमेंट्स को तो होते ही नहीं है क्योंकि आप लोगों को तो कोई क्वेरीज और कोई डाउट्स होते ही नहीं है ना ही आपको कोई चीज अच्छी लगती है ना ही आपको कोई चीज बुरी लगती है यू पीपल आर न्यूट्रल इन योर थॉट बट एक बार बताऊँ जिंदगी में न्यूट्रल होना भी अच्छा नहीं है यू हैव योर इमोशंस और इमोशंस आपके पढ़ाई से लेकर आपके पास होने चाहिए जो आपको कनेक्ट करके रखेंगे अब मैं पिकॉक के बारे में बात कर रही हूँ अगर आपने पिकॉक को देखा होगा तो आप इमेजिन कर सकते हो तो यू नीड यू शुड हैव एन इमेजिनेशन आपकी एक कल्पना होनी चाहिए कल्पना लड़की नहीं कल्पना इमेजिनेशन होनी चाहिए ठीक है हाँ हरियाणा सुल्तान ओके okay. Uh, किस चीज के बारे में एडवाइस करना है तो मैं कल एक सेशन लेकर आ रही हूँ तो मतलब फसाई के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए भी मैं प्लान कर रही हूँ बहुत कुछ प्लान कर रही हूँ तो एट टू फोर्टी फाइव आप स्टडी प्लान के लिए वो सेशन ज्वाइन कीजिएगा और वैसे भी आप सेशंस मतलब धीरे धीरे आई एम वर्किंग ऑन ऑल दीज को और ज्यादा ही इंप्रूव आना चाहती हूँ लेट मी क्लियर द बैच ऑल्सो बैच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑल्सो तो भाई बैच रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हैं पूछना तो दिस इज अम्पलीट फाउंडेशन बैच्लीट फाउंडेशन बैच है एग्रीकल्चर का ठीक है इफ यू आर टारगेटिंग दिस एग्जाम ठीक है अगर आप ये एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हो यहाँ पर हमारी अभी फिफ्टी से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं एंड विल रियली रियली हेल्प हेल्प टू टू क्लियर और क्वालिफाई योर एग्जाम जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं वॉट यू नीड टू डू जब आप इस बैच में एडमिशन लेंगे अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करने के लिए आपको वाई थ्री डबल फोर कूपन कोड अप्लाई करना है ठीक है वाई थ्री डबल फोर कूपन कोड आपको अप्लाई करना है टू गेट एडमिशन इन द बैच इस बैच में एडमिशन लेने के लिए ठीक है अब आप सोचेंगे बैच में अभी यहाँ पर आपके लिए पूरी टीम है जो वर्क कर रही है ऑन द कंटेंट बेसिस ऑन द एग्जाम बेसिस तो यहाँ पर और वहां पर कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड ही होगा ट्रस्ट मी अभी हमारे फसाई के स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमें उनसे इतनी उम्मीद है वी वॉन्ट सिलेक्शन फ्रॉम देम क्योंकि हमने उनको काफी अच्छे से पढ़ाया है और काफी मेहनत की है यार दिल से काफी मेहनत की तो आप लोगों पर भी ऐसे ही मेहनत की जाएगी यस yes, अपना बेस्ट कैसे दे स्टडी में अपना बेस्ट ऐसे दे स्टडी में कि जब आप पढ़ें तो सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान दें जितने और एक्स्ट्रा विचार आपके मन में आ रहे हैं उसको एक नोटबुक पे नोट कर लो हमारी एक आदत होती है कि आप हम किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं तो या तो कह दो या तो लिख दो अब किसी से कह नहीं पा रहे हो उस वक्त पे क्योंकि तुमको पढ़ना है वो तुम्हारा टाइम ऐसा नहीं है कि तुम उस इंसान को फोन करके या फिर आ, मैसेज करके वो कोई जो आपके मन में बात चल रही है वो बात कहो तो उसको कहीं लिख दो इससे क्या होगा वो बात आपके दिमाग से ना बाहर निकल जाएगी रोल आउट हो जाएगी और आपका जो दिमाग है वो धीरे धीरे कंसेंट्रेट होगा और मेरी अगर बात मानो तो प्लीज मेडिटेट करो मैं मेडिटेट करती हूँ एंड इट रियली वर्क ये वर्क करता है कोई एक मंत्र याद कर लो ठीक है कोई एक मंत्र याद कर लो आप मतलब जो भी आपको अच्छा लगे जैसे मैं मुझे महामृत्युंजय जाप याद है तो कोई एक मंत्र याद कर लो जब भी दिमाग फोकस्ड ना हो तो वो मंत्र अपने मन, मन के अंदर आप दोहराओ यू विल फील रियली रिलैक्स तुमको रिलैक्स फील होगा और फिर तुम फोकस करोगे तो तुम्हारा फोकस भी होगा तो ऐसा कोई मंत्र याद कर लो अपने Uh, कोई गायत्री मंत्र को ही बार बार चाहे बोल लो सरस्वती मंत्र कोई बोल लो अगर तुम्हें मतलब याद करना है और सरस्वती मंत्र याद करोगे तो सरस्वती माँ मतलब तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी मतलब ऐसा हम बोलते हैं और ऐसा सच में है देस इज अ बिलीव वो बिलीव आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना उस चीज को मानते हो है ना जैसा आप मानेंगे आपके साथ वैसा ही होगा बिल्कुल मुझे रिमाइंड कराएंगे आप लोग मुझे एक रोड मैप चाहिए रोड मैप चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यही लिखो सारी बातें कमेंट में मत लिखना जब क्लास ओवर होती है जो जो आप लिख रहे हो उसको कॉपी करो और कमेंट में पेस्ट कर देना अभी ठीक है या फिर मुझे इसके पिक क्लिक करने दो क्योंकि यार मैं ये लाइव चैट के कमेंट्स बाद में विजिबल नहीं होते हैं ना ये चीजें तो आपको भी पता है ये लाइव चैट के कमेंट्स बाद में विजिबल नहीं होते हैं तो मैंने इसको अभी यहाँ क्लिक कर लिया है एंड आई विल वर्क ऑन दैट ओके जी यस yes, तो अभी आप लोगों से मुलाकात होगी आपके अपने पुष्कर सर के जो आप लोगों के लिए अपना मतलब हॉर्टिकल्चर सेक्शन लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मेहनत की जा रही है तो सात बजे आप पुष्कर सर की क्लास अटेंड करेंगे और कल हम नए टॉपिक के साथ फिर से आप लोगों के सामने होंगे और कल आपके स्टडी प्लान और रोड मैप्स को लेकर पूरा डिस्कशन किया जाएगा तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में तब तक के लिए टेक केयर एंड फाउंडेशन बैच का आप डिस्क्रिप्शन पूरा रीड कर सकते हैं सम ऑफ यू आर आस्किंग अबाउट दिस कि क्या है ये तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन क्या क्या इस बैच में और कौन कौन से एग्जाम यहाँ पर टारगेट होंगे एंड दीज आर योर फैकल्टीज ये आपके सभी फैकल्टीज हैं ठीक है जो आप लोगों के लिए यहाँ पर वर्क कर रही हैं आप लोग के सामने आप लोग के एग्जाम्स को लेकर पूरा स्टडी प्लान पूरा फोकस्ड कंटेंट है और यूट्यूब पे आप हमारी क्लासेस देख सकते हैं यू कैन जज आप देख सकते हैं कि कितना एफर्ट्स आपके लिए किया जा रहा है क्या वो एफर्ट सच में आपको हेल्प करने वाला है या फिर नहीं हेल्प करने वाला है क्योंकि जब भी हमें कहीं पर इन्वेस्ट करना होता है अपना टाइम इन्वेस्ट करना होता है अपना मनी इन्वेस्ट करना होता है तो आई सिंपली सजेस्ट एवरीवन कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्लीज थिंक ओवर दैट एंड आफ्टर दैट इफ यू अप्लाई वाई थ्री डबल फोर अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो ये फाउंडेशन बैच आपको काफी कम प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा और 12 महीने के लिए अगर आपको ये स्टडी मटेरियल मिल रहा है एट द प्राइस ऑफ 5519 तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी लॉस इन इट किसमें कुछ नुकसान आपको होने वाला है क्योंकि लुक एट द टाइम 12 मंथ्स यू कैन रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स और इसमें अपडेशन तो होता ही रहेगा ना एग्जाम के रिलेटेड में जो भी इंफॉर्मेशन होगा एजुकेशन क्या क्वेश्चन है अपना बेस्ट कैसे थे मैंने बता दिया नोट्स भी अवेलेबल कराती हूँ आरुषि कल की क्लास सुनो कल की क्लास ओपन करो नोट्स वहां पर है वो बात ये हो जाती है क्लास के नोट्स uh, मतलब आगे पीछे अपडेट हो रहे हैं बट क्लास के नोट्स डेली अपडेट हो रहे हैं क्लास के नोट्स डेली अपडेट हो रहे हैं चाहे वो आगे पीछे अपडेट हो रहे ओके सो नाउ अस एंड द सेशन नाउ वी विल मीट यू टुमारो एट द सेम टाइम तब तक केयर एंड वेल